दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल ग्रीन टिप्स एडवाइस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं अभी आप लोगों के सामने मेरी लाइव ट्रेडिंग जो कॉन्सेप्ट है वो पेश करूंगा। मैंने आज किस में ट्रेड किया और किस तरीके से मैंने ट्रेड डाला और मैंने क्या प्रॉफिट किया या फिर क्या लॉस किया। ओके, तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, आज मैंने ट्रेड डाला 30,300 की कॉल ऑप्शन और 30,200 की कॉल ऑप्शन यानी बैंक निफ्टी। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ओपन करके। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, मैंने 1330 रुपये प्रॉफिट बुक किया इस अकाउंट में। टोटल आज तीन अकाउंट में मैंने ट्रेड किया, 1330 रुपये प्रॉफिट बुक किया, 30,200 की कॉल ऑप्शन में ट्रेड किया और 30,300 की कॉल ऑप्शन में मैंने ट्रेड किया। और सेकेंड अकाउंट जो है इसमें मैंने सिर्फ इक्विटी कैश में ट्रेड किया और अभी 44 रुपीज़ ओवरऑल लॉस में है। और इस अकाउंट में आस्था अकाउंट में भी मैंने ट्रेड किया, यहाँ पर मैंने नियरबल 1700 रुपये प्रॉफिट किया। यहाँ पर देखिए 934 प्रॉफिट किया, 755 प्रॉफिट किया, 30,200 की कॉल, 30,300 की कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी में। अब मैंने किस तरीके से ट्रेड डाला, चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सुबह बैंक निफ्टी फ्यूचर को मैंने देखा कि 30,040 में प्रीवियस डे का क्लोज था और आज ओपन हुआ 30,055 में, और 10 रुपए की गैप अप ओपन होने के बाद 30,180 का हाई बनाया। तो जब 30,180 का हाई बनाया था, करीबन 187 पॉइंट का हाई बनाया, तब मैंने क्या किया, 30,200 की कॉल ऑप्शन और 30,300 की कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया था। ओके, तो जब मैंने 30,300 की कॉल ऑप्शन और 30,200 की कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया, ये दोनों को बाय किया, तो उसके बाद जो है बैंक निफ्टी में गिरावट आई, क्योंकि 180 पॉइंट का उछाल आई और आज एक्सपायरी डेट है, ध्यान से सुनिएगा। प्राइस एक्शन को मैं बहुत अहमियत देता हूँ, आरएसआई इंडिकेटर को भी अहमियत देता हूँ, डेली कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो थोड़ा सा गिरावट आई तो मैंने सोचा कि करेक्शन आएंगे, उससे क्लोज कर देते हैं। तो स्टॉक को देखते हुए यानी मार्केट को देखते हुए, बैंक निफ्टी को देखते हुए, फ्यूचर के देखते हुए मैंने 30,200 की कॉल ऑप्शन 13 रुपये प्रॉफिट बुक करके छोड़ दिया, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट में बाहर हो गया। और 30,300 की कॉल ऑप्शन भी जो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर होने की कोशिश की, लेकिन उसमें 122 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये दोनों में, एक में 122 रुपये का लॉस हुआ, दूसरे में 13 रुपये। और जब बैंक निफ्टी फ्यूचर 30,400 के ऊपर गया था, तब मैंने क्या किया, 30,200 की कॉल ऑप्शन और 30,300 की कॉल ऑप्शन सेल किया। क्यों किया, चलिए ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अभी देखिए 30,300 की कॉल ऑप्शन, थोड़ा सा चार्ट ओपन कर लेते हैं। 30,300 की कॉल ऑप्शन जो है, ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट की एक कैंडल जो है पीवोट लेवल को ब्रेकआउट करके, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करके, एक ही कैंडल कितना छलांग मारा, 55 रुपए में ओपन होके 165 का हाई, यानी 100 पॉइंट से ज्यादा उसने हाई बनाया। तो 100 पॉइंट से ज्यादा जब ये हाई बनाया और ये 15 मिनट की कैंडल में 100 पॉइंट की हाई, मतलब क्या है कि ऊपर सस्टेंस कर नहीं पाएगा, ये मेरा मानना है, ये मेरा व्यू है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, प्राइजेशन को बहुत अहमियत देता हूँ। और ऊपर की तरफ एक सपोर्ट लेवल है जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट के सपोर्ट का काम करेगा, कम से कम यहाँ पर नीचे गिरेगा और इसको रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर ही सस्टेंस करेंगे। और मैंने ऊपर सेल किया कॉल ऑप्शन को और मैंने प्रॉफिट बुक किया, और मैंने जब सेल किया तब आरएसआई को देखा वो ओवरबोट पे है कि नहीं, तो ओवरबोट पे मैंने सेल किया ये 30,300 की कॉल ऑप्शन। अब 30,200 की कॉल ऑप्शन को दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने सेल किया। सुबह मैंने बाय किया और स्क्वायर अप कर दिया, वो भी आप लोगों को बता दिया इस तरीके से मैंने ट्रेड डाला। अब यहाँ पर देखिए 15 मिनट की कैंडल 121 रुपए में ओपन होकर 250 रुपए का हाई, इसमें भी 100 पॉइंट से ज्यादा हाई 15 मिनट में। तो मैंने ऊपर सेल किया क्योंकि ऊपर भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, देखिए इसको ब्रेकआउट करना मुश्किल है क्योंकि 15 मिनट का कैंडल अचानक से छलांग मार के इतने सारे सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हाई पे सेल किया और यहाँ पर मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, और जब मैंने सेल किया तब मैंने ध्यान दिया कि यहाँ पर आरएसआई ओवरबोट तो नहीं है, तो यहाँ पर आरएसआई ओवरबोट था तो मैंने सेल कर दिया। प्राइस एक्शन को मैंने अहमियत दिया, रेजिस्टेंस लेवल को अहमियत दिया और आरएसआई इंडिकेटर को भी मैंने रेस्पेक्ट कर किया, और रेस्पेक्ट करते हुए मैंने प्राइस एक्शन के साथ साथ मैंने सेल किया। और एक रीजन क्या है, आज स्ट्राइक, आज जो है एक्सपायरी डेट है और आज के डेट में गिरावट तो आना ही है, गिरावट आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ओके, अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कहूंगा आप लोगों को, यहाँ पर देखिए 30,300 की जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर 2,200 की कॉल ऑप्शन, अभी 188 है, ये 250 में अगर
फिर से हाई बनाते हैं तो 250 से फिर से हम सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं और फिर से 30-40 पॉइंट का हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए 30,300 की जो कॉल ऑप्शन है, ये फिर से अगर 150 के लेवल को टेस्ट करते हैं तो वहां पर हम फिर से सेल कर सकते हैं और कम से कम 30-40 पॉइंट का मूवमेंट देख सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, डेली 2-3 अकाउंट में ट्रेड करता हूँ। आज भी मैंने ट्रेड किया लेकिन इस अकाउंट में अभी तक जो है ओवरऑल लॉस में है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 64 रुपीज़ लॉस में है। मैं वेट कर रहा हूँ डाबर के लिए। डाबर जो है 413.77 रुपये में सेल किया। अभी चलिए थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। चलिए डाबर जो है फ्रेंड्स, देखिए 50 मिनट के चार्ट में, अभी ये सॉरी ये टाटा स्टील है। डाबर जो है जब मैंने सेल किया था तब सेलिंग पोजीशन में था, लेकिन निफ्टी की उछाल को देखते हुए, क्योंकि 100 पॉइंट से ज़्यादा उछाल आई, बैंक निफ्टी में भी उछाल आई और फार्मा सेक्टर भी पॉजिटिव है, तो डाबर जो है डाबर बाइंग पोजीशन में आ गया। इस पीवोट लेवल को ब्रेकआउट करते हुए उसके ऊपर सस्टेंस किया, लेकिन मैं 420 की लेवल लेके चल रहा हूँ। 420 को जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक ये नीचे रहेगा और 420 के आसपास में सेल करूंगा और 100-200 क्वांटिटी और एवरेज करके कोशिश करूंगा प्रॉफिट करूं या ना करूं, कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर होने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल नीचे की तरफ ही है, देखते हैं क्या होता है। इस पीवोट लेवल को जैसे ब्रेकडाउन करेंगे गिरावट आएगा, क्योंकि हिस्टोग्राम बार ऑलरेडी डाउन ट्रेंड का एक इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि तीनों बार जो है बियरिश है और RSI भी थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो देखते हैं हम वेट करके। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। अगर आप लोग पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेली 3 कॉल प्रोवाइड करता हूँ 80% एक्यूरेसी के साथ, सुबह 9:15 से 3:15 तक मेरा लाइव सपोर्ट रहते हैं। और अगर आप लोग मेरे थ्रू आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोगों को निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन कॉल फ्री में मिलेंगे। जो कॉल मैं अपने पेड टाइम को प्रोवाइड करता हूँ सेम कॉल आप लोगों को फ्री में मिलेंगे। तो मैं आज ओपन करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को आज मैंने कौन सा कॉल प्रोवाइड किया। देखिए टाटा स्टील जो है फर्स्ट टारगेट डन, टाटा स्टील 520 पुट बुक प्रॉफिट, सन फार्मा 470 कॉल टारगेट डन बुक प्रॉफिट, टू डे ट्रेड क्लोज। देखिए 11:23 में ट्रेड क्लोज हो गए ऑप्शन में। सन फार्मा और टाटा स्टील मैंने आज कॉल प्रोवाइड किया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये टू डे लिखा हुआ है ना, देखिए मैं दिखाता हूँ टू डे का, दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टू डे लिखा हुआ है ना, ये टू डे है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है। देखिए आज की कॉल, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आप लोगों को स्टॉक फ्यूचर का। अभी स्टॉक ऑप्शन दिखाया, अभी स्टॉक फ्यूचर में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। स्टॉक फ्यूचर जो दे, देखिए डबल फ्यूचर नियर सेकंड टारगेट डन, सन फार्मा फॉलो सेल लेवल, लेकिन सन फार्मा सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बाइंग लेवल एग्जीक्यूट हो गया, नियर फिफ्थ टारगेट डन, लेकिन इसमें ट्रेड नहीं हुआ क्योंकि मैंने ना कर दिया था। तो सिर्फ एक ही कॉल एग्जीक्यूट हुआ, एक ही कॉल में प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैं दिखाऊंगा आप लोगों को बैंक निफ्टी ऑप्शन। देखिए बैंक निफ्टी ऑप्शन कॉल मैंने आज कॉल प्रोवाइड किया, टुडे, ये टुडे लिखा हुआ है ना, ये आज की कॉल है। 30,200 कॉल सेल कॉल टारगेट डन, उसके बाद 30,200 कॉल बाय सेकंड टारगेट डन बुक प्रॉफिट 52 पॉइंट गेन, यानी बैंक निफ्टी 30,200 की कॉल में 52 पॉइंट गेन हुआ है बाइंग साइड। ठीक है, 30,200 कॉल टुडे 100 पॉइंट गेन, 100 पॉइंट अबव गेन, यानी 30,200 की जो कॉल ऑप्शन है उसमें आज 100 पॉइंट से ज्यादा मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कॉल प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप लोग सर्विस लेना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेली 3 कॉल प्रोवाइड करता हूँ 80% एक्यूरेसी के साथ, सुबह 9:15 से 3:15 तक मेरे लाइव होते थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना सा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।